दोस्तों आज हम बनाएंगे फेमस गोवा की चिकन स्पाइसी रेसिपी चिकन विंडालू। ये नॉर्मल चिकन करी से कुछ हटके होता है। मसाले जिस तरह से इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं ये ग्रेवी को काफ़ी थिक टेक्सचर देते हैं और चिकन के पीसेस भी काफ़ी सॉफ्ट और जूसी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले 8 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च को 1 कप गर्म पानी में 15 मिनट के लिए भिगो लेंगे। मैंने यहाँ पर 750 ग्राम चिकन लिया है। इसमें 1 चम्मच नमक, 3 पाव चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 चम्मच विनेगर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, विनेगर चिकन को टेंडराइज करते हैं। जब इन्हें मसालों में पकाया जाता है तो मसाले इसके अंदर तक अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और चिकन खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे ढककर 15 मिनट मैरिनेट होने देते हैं जब तक हम विंडालू मसाला तैयार कर लेंगे। अब एक जार में जो हमने गर्म पानी में भिगोकर रखा था ना लाल मिर्च ले लेंगे। 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1.5 इंच दालचीनी, 4 हरी इलायची, 5 लौंग, आधा चम्मच साबुत काली मिर्च, आधी जावित्री, आधा स्टार एनिस और आधा कप मिर्चे भिगोया हुआ पानी। इन सभी चीज़ों को बारीक पीस लेंगे। इसी में एक मीडियम साइज का टमाटर भी डालकर इसे भी मसालों के साथ ही पीस लेंगे। हमारा स्पाइसी विंडालू मसाला बनकर तैयार है। इस मसाले को हम चिकन के पीसेस में मिक्स कर लेंगे और इसे साइड में रख लेंगे। मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक पैन या कढ़ाई में 1 पाव कप तेल को गरम कर लेंगे और इसमें बारीक कटी हुई 1.5 चम्मच लहसुन शामिल करके इसे हल्का सा रंग बदलने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें जाएगी 2 मीडियम साइज की कद्दूकस की हुई करीब 1/2 कप प्याज और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब प्याज को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ये थोड़ी सी क्वांटिटी में रिड्यूस ना हो जाए। दोस्तों लहसुन की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। चलिए प्याज हमारी हो चुकी है, अब हम इसमें शामिल कर देंगे हमारा मैरिनेटेड मसालेदार चिकन। 1 कप पानी डालकर मसाले को अच्छे से साफ करके चिकन में शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और 15 मिनट के लिए लिड लगाकर इसे पका लेंगे। 5 मिनट हाई फ्लेम पर पकाएंगे और 10 से 12 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए दोस्तों 15 मिनट बाद चिकन कितनी अच्छी तरह से रेडी हो चुका है, एकदम लाल, तेल बढ़िया तरीके से सेपरेट हो चुका है। मुझे हल्का सा नमक कम लग रहा है, 1/2 चम्मच नमक डालकर और 5 मिनट के लिए ढककर लो फ्लेम पर पका लूँगी। बस ज़बरदस्त स्पाइसी चिकन विंडालू बनकर तैयार है। अगर आप तीखा थोड़ा कम खाते हो तो मिर्चों को गर्म पानी में भिगोने से पहले इसके बीज हटा लीजिएगा, जिससे रंग और टेक्सचर तो आपको सेम मिलेगा मगर थोड़ा सा तीखापन कम हो जाएगा। बस और किस बात की देरी है, फटाफट रेसिपी बना डालिएगा और कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।